पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आकाश, आकाश तो होटल जा रहा है ना, मुझे प्लीज बैंक छोड़ देना रास्ते में। क्या हुआ आकाश, परेशान लग रहा है? ऑफिस में कुछ हुआ है? अरे ट्रैक रिकॉर्ड पे इंक्वायरी बिठा रहे हम। इसी बात का डर था मुझे, पल्लवी ने जॉब छोड़ी, इसका बदला वो तुझसे ले रहे, यही हुआ है ना? क्या बोल रही, पल्लवी की कोई गलती नहीं है इसमें। बॉस को बेमतलब की खुन्नस निकाल रही थी तो बस निकाल रहा है, मैं हैंडल कर लूंगा मां। वैसे मुझे एक बात और करनी थी तुझसे आकाश, तू दो दिन बाद पल्लवी के घर जाने वाला है। अच्छा बेटा, ये प्रैक्टिकल नहीं है आकाश, 15-15 दिन, अभी तुझे अपनी जॉब पे फोकस करना है, स्ट्रेस तो होगा ही ना आकाश, ये बड़ी बात है, और इस सब के बीच में इतना बड़ा झंझट। दो बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, 15-15 दिन की बात और पल्लवी और मेरी जॉब, दोनों डिफरेंट मुद्दे हैं मामा, प्लीज नॉट अगेन मामा, प्लीज। टेंशन तो होगी ना, टेंशन की बात नहीं है मामा, जॉब करते हैं तो जॉब में इतना उतना तो होता ही है, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैंने पल्लवी को प्रॉमिस दिया और वो प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सकता, प्लीज। सब ठीक है, धीरे धीरे बेबी का मूवमेंट शुरू होगा, यू विल एंजॉय इट। इस मामले में बड़ा मैं जेलस फील कर रहा हूँ, ये सब एंजॉयमेंट तो सिर्फ मम्मी लोग ही कर सकते, पापा लोग तो नहीं कर सकते। अभी आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा, जितना हैप्पी पेरेंट्स रहते हैं ना उतना ही हैप्पी बच्चा फील करता है। आप ये सेम ओल्ड वाली मेडिसिन कंटिन्यू कीजिएगा। yeah. Thank you. पापा जी, ये क्या है? नया लुक? मतलब मुझे आपको पापा जी नहीं, अब डैडी जी बुलाना पड़ेगा। भाई ये भी ठीक है। वरुण बेटा, तुम्हारे लिए भी हमने 4 सूट खरीद लिए हैं। भाई मीटिंग होती रहती है ना, तो लगना चाहिए कि बाबू साहब आ रहे हैं। अच्छा कल मीटिंग है ना तुम्हारी, तो हम दोनों साथ चलेंगे बाप बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, दिखाई। अरे वाह क्या बात है, सी इट्स नाइस नाइस। अरे ये बहुत अच्छे पर बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वरुण तुमने पापा जी को ये सब करने क्यों कहा? हाँ सो मच एक्सपेंस, पापा जी आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, क्यों आप ये सब? दीपू, पापा ने खर्चा नहीं किया है, मैंने खर्चा किया है। अरे मैंने अपनी कंपनी से सैलरी उठाना शुरू कर दिया है। What? वरुण अब तक हमारा बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है और सबसे पहले हमें पापा को पैसे लौटाने हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बहू गजब की बातें कर रही हूँ, भाई कंपनी डाली है तो अपना खर्चा निकालेगा ना, भाई तनख्वाह तो लेगा ना, वरना फायदा क्या, अगर काम करता तो तनख्वाह लेता कि नहीं? Exactly, पापा जी, तनख्वाह तब लेते जब हम काम करते, जॉब करते हैं। ये तो हमारा खुद का बिजनेस है ना, तो इसमें सैलरी कैसे? दीपू तुम इतना घबरा क्यों रही हो, खामा खा परेशान हो रही हो? अरे मैं हर चीज का हिसाब किताब रख रहा हूँ, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि कल क्या पहन के जाओ, दिस वन और दिस वन? कोई भी पहन लो सब अच्छा है। नाइस। वेरी वेल।
चॉइस बहुत अच्छी है तुम्हारी। बाय द वे साड़ियां ली किसके लिए जा रही हैं? वो तो सरप्राइज है भैया। दीपू दी कैसी लग रही है? नाइस, वेरी नाइस। तनु दी अच्छी है? अच्छी नहीं है यार, बहुत अच्छी है। अच्छा आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप लोग के लिए चाय नाश्ता भिजवाऊँ? नहीं नहीं थैंक्स। ठीक। क्या आप दोनों को क्या हो गया? एक के फेस पे 12 बजे और एक के फेस पे 12:30। बेरोजगार मैं हुई हूँ और सैड आप दोनों हो रहे हो। नहीं नहीं अच्छा ये तू साड़ियाँ किसके लिए ले रही है तू? हाँ मम्मी जी, चाची जी और भाभी। आई होप उन लोगों को पसंद आए। ओ कहीं आप दोनों जेलस तो नहीं हो रहे? हाँ चलो एक एक साड़ी आप दोनों के लिए भी ले लेती हूँ। दीदी दो और अच्छी साड़ियाँ दिखाइए। एक और ले आइए। तनु दी ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना सूट करेगा आप पे। बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल कलर। तनु दी क्या लग रही है ये साड़ी आपके ऊपर? देखना अगर आप ये साड़ी पहनोगे ना तो जीजू आपको डेट पे ले जाएंगे और फिर से प्यार हो जाएगा उन्हें आपसे। हेलो एक्सक्यूज मी, प्यार खत्म कब हुआ? राकेश पहला दिन तनु से जितना प्यार करते थे ना आज भी उतना ही प्यार करते हैं, आज भी उतना ही लट्टू है ना तनु? वो बात तो। एक मिनट हाँ, अब ऐसे शर्माना मत प्लीज। वाह देखो दी है ना। देखो तो सही, आप एक बार ट्राई करो। ओह माय गॉड पैक कर दो ये साड़ी। हाँ नहीं यार मैं बताती हूँ अभी नहीं। जानवी मेरा और मेरी पत्नी के बीच का मैटर था, तुम्हें बीच में इंटरप्ट करने की क्या जरूरत थी? और तो और तुमने झूठ बोला और तुम्हारी वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। तो मना कर देते ना, तुमने साथ क्यों दिया? मैं तो तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रही थी राकेश। एक और झूठ बोल के तो अब जाके सच बोल दो, बता दो कि क्या हुआ उस रात मेरे और तुम्हारे बीच में, फिर देखती हूँ कि तुम्हारी तन्वी कितनी महान है और वो कैसे जाने देती है इस बात को। तुम्हारा रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए खराब हो जाता राकेश। जो बात दब गई है उसे दबी रहने दो, सिर्फ एक रात की भूल के लिए अपना रिलेशनशिप खराब मत करो। मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दे सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ पता ओ रखो भाई खोलो जी। ये क्या? अरे बोलो तो सही यार, खोलो।
इतने पैसे, मैं कुछ समझा नहीं। समझने की क्या बात है? अच्छा अच्छा, आपको होलसेल में साड़ियाँ लेनी है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।